अंग्रेजी में ना I've just come from the Tamil Sangam meeting where you are there. All right, I will start some introductory remarks in English, and then question answers. Anybody wants the answer in Hindi, I will give in Hindi. Is that fair? Sorry, Sani, you make the decision. What do I do? तो हिंदी में शुरू करता हूँ फिर अंग्रेजी में माननीय हुकुम जी माननीय माननीय दिलीप घोष जी माननीय हरीश साहनी पवित्र जी जा जी यहाँ उपस्थित इस समाज के हमारे हिंदुस्तानी समाज के जाने माने व्यक्तिगण और भाई और बहनों कटारिया जी ने जब पहली मुझे ये बात बताई कि एक हिंदू यूनिटी डे हम लोगों को मनाना चाहिए तो शुरू में तो कई लोग संकोच करते थे आने में लेकिन धीरे धीरे ये व्यापक होते गई और आज भी आपने यहाँ एकत्रित हुए संख्या में हमें उम्मीद नहीं थी क्योंकि बड़ी अल्पकाल में कटारिया जाने के बाद हरीश साहनी ने इस काम को संभाला है पहले भी संभालते थे परंतु कटारे को आगे रखते थे अब इनको आगे आना पड़ा हिंदू एकता की आवश्यकता क्या है मुझे किसी ने कहा कि हम 125 लाख करोड़ लोग हैं क्या आवश्यकता है इतनी बड़ी संख्या होने के बाद कुंभ मेला में कोई सरकार से कोई निमंत्रण नहीं आती है पब्लिक को कोई व्यवस्था भी नहीं सरकार करती है सिर्फ मामूली पुलिस का जो काम है वो करते हैं लेकिन 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपने आप आते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने के बाद भी अपराध न्यूनतम होती है ना के बराबर तो विदेशी लोग जिन्होंने ये कुंभ मेला देखा वो मुझे पूछते हैं कि ये क्या जादू है कि सब कहते हैं हिंदू में यानी वो यूनाइटेड नहीं है विघटन है ये है सब अपने अपने राय रखते हैं फिर भी ये कैसे कोई टाइम टेबल नहीं छपा है कोई डेट नहीं पता है किसी को परंतु फिर भी वो ढूंढ लेते हैं पता करके आते हैं एक हिंदू में वो निष्ठा तो जरूर है और इस निष्ठा के कारण आज हम 80% हिंदू हैं हिंदुस्तान में मैं क्यों कह रहा हूँ ये 80% की संख्या क्योंकि अन्य देशों में जहाँ आक्रमण हुआ मुसलमान या क्रिश्चियन का उनकी जो वहाँ उस समय
आक्रमण होते समय जो धर्म था या उपासना पद्धति थी या मजहब था उसको उन्होंने बहुत कम समय में मिटा दिया। जैसे ईरान ज़ोरोएस्ट्रियन की देश थी और ज़ोरोएस्ट्रियन की जो धर्म थी वो बड़ी विकसित धर्म थी। उनकी ग्रंथों से पढ़ने से पता लगता है कि कितना उनको कितनी सूझबूझ है। लेकिन मुसलमान की आक्रमण हुई, 15 साल में ईरान को 100% मुसलमान बना दी। मेसोपोटामिया, बेबिलियन जो आज मिलकर इराक है उसको 17 साल में, इजिप्ट में फैरोज थे, बड़े विकसित देश था, मुसलमानों ने आक्रमण किया और 21 साल में 100% मुसलमान। क्रिश्चियंस ने यूरोप में आक्रमण किया और उन्होंने 50 साल में यूरोप को क्रिश्चियन बना दिया। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल आक्रमण करते रहे मुसलमान, 200 साल क्रिश्चियंस करते रहे और अब फिर भी आप 80% हिंदू है। ये एक व्यक्तिगत निर्णय है जो हिंदुओं ने किया। राणा प्रताप घास की रोटी खाकर मरे लेकिन उनको वीर, कहीं भी चले जाइए उनको वीर मानते हैं। हारे हुए व्यक्ति को ही वीर मानना, एक नेशनल हीरो मानना, ये दूसरे देशों में नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन वो जो वीरता थी उसकी स्मरण में लोगों ने राणा प्रताप को हीरो बनाया। जीते शिवाजी लेकिन राणा प्रताप और शिवाजी दोनों को बराबर मानते हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र राजस्थान का सवाल नहीं है। तमिलनाडु में कट्टाबोम्मन को फांसी दिया था अंग्रेज़ों ने, उनको तमिलनाडु में वीर मानते हैं। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में, और इसी प्रकार से आपको पता है कि रानी झांसी की जो स्थान है, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कोई आपको यानी विजय नहीं दिलाया लेकिन वो जो मंशा को उन्होंने जगाया, जो चेतना को जगाया और जो वीरता दिखाई, व्यक्तिगत वीरता, उससे लोग आज भी उनको स्मरण करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत चरित्र पर्याप्त नहीं है, एक राष्ट्रीय चरित्र भी होनी चाहिए और उसी लिए आज हम एकता की बात कर रहे हैं। और क्यों एकता? सिर्फ एक होना, क्योंकि होना एक होना अच्छा है, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 10 साल, व्यक्तिगत चरित्र बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन उसका राष्ट्रीय चरित्र देश को डुबा दिया, क्योंकि एक दुबला पतला विदेशी महिला के सामने झुकते रहे और इसीलिए देश में जो भ्रष्टाचार जो पनपा उसकी राष्ट्रीय चरित्र ना होने के कारण है। जयचंद, व्यक्तिगत चरित्र उनका अच्छा था और पृथ्वीराज चौहान ने जरूर उनको अपमानित किया और बदला लेने चाहते थे, परंतु हुआ क्या? उन्होंने बदला तो लिया लेकिन मोहम्मद गौरी को मौका दिया इस देश में कई बार हारने के बाद इस देश में इस्लाम लाने के लिए। तो व्यक्तिगत चरित्र नहीं, गोडसे का भी यही है, महात्मा गांधी को मारे और मजबूत किसको किया? जवाहरलाल नेहरू, जो आधा अंग्रेज था, जो किसी की बात नहीं सुनता था, कभी कभी एडविना माउंटबेटन की बात जरूर सुनता था और इसीलिए किसी को पूछे बिना
कैबिनेट को पूछे बिना उन्होंने कश्मीर में जा कश्मीर का सवाल जाकर यूनाइटेड नेशन में सौंप दिया और जो आज भी हमारे लिए सिरदर्द बनी है। लेकिन सरदार पटेल जो प्रधानमंत्री बन सकता था क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब राय ली गई थी महात्मा गांधी ने तो 16 पीसीसी प्रेसिडेंट्स में 15 ने कहा कि हमें सरदार पटेल चाहिए और महात्मा गांधी ने कहा सरदार पटेल को तुम ही कहो मीटिंग में कि मैं नहीं बनने चाहता हूँ जवाहरलाल को बनाओ। अब क्यों महात्मा गांधी ने किया किसी पुस्तक में तो नहीं आया, मैंने एक बार मोरारजी देसाई को पूछा था ये महात्मा गांधी ने ये गलती क्यों की, तो उन्होंने कहा कि वो ये सोचते थे कि सरदार पटेल अनुशासित व्यक्ति है, उनमें अनुशासन है, अंग्रेज़ों को पहले जाना चाहिए और यदि पहले से ये तय हो जाए कि ये बनने वाले हैं सरदार पटेल तो पता नहीं जवाहरलाल नेहरू क्या कर देगा और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को बनने दो और बाद में अंग्रेज़ जाने के बाद कुछ परिवर्तन आएगी। और वैसे गांधी ये सोच रहा था कि कांग्रेस का दो टुकड़ा कर दे, यानी जिनकी जिस दिन गांधी की हत्या हुई उस समय उनकी राय ये थी, उन्होंने सरदार पटेल को बुलाकर कहा कि तुम इस्तीफा मत दो कैबिनेट से क्योंकि वो तंग आए हुए थे जवाहरलाल नेहरू से कि मैं कांग्रेस का दो टुकड़ा करने वाला हूँ, एक तुम्हारा अध्यक्षता में एक जवाहरलाल की अध्यक्षता में, 90% तो सरदार पटेल के साथ जाती, 10% जवाहरलाल नेहरू के साथ रहती, बट ये उनकी प्लान थी। पता नहीं उनकी हत्या होने के कारण ये प्लान कभी ये क्रियान्वित नहीं हो सका, क्या इसके पीछे कोई कारण है, यही कोई कारण हो सकता है कि गांधी को कांग्रेस का विभाजन नहीं करने देता। मैं अभी आर्काइव्स में सारे कागज़ आ गए हैं उसको पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है दो महीने के बाद जो वास्तविकता निकले हैं जो किसी को नहीं पता है वो आर्काइव्स में मैंने ढूंढा है, कितनी गोली चली महात्मा गांधी पर इसके बारे भी कोई निश्चितता नहीं है। गोडसे कहता है कि मैंने 2 चलाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से 3 चले और जिन लोगों ने रिपोर्ट किया महात्मा गांधी की हत्या की उन्होंने कहा कि 4 गोली चले, वी हर्ड 4 शॉट्स फायर्ड, ये रॉयटर्स का रिपोर्ट, अमेरिका के न्यूयॉर्क पोस्ट का रिपोर्ट और हिंदू अखबार का रिपोर्ट, और क्यों नहीं इस पर पोस्टमार्टम हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं बिल्कुल नहीं हुई। गांधी पर गोली चली, गांधी गिरे, उनको उठाए, उस समय वो मरे नहीं थे, उनको बिरला हाउस में जाकर लिटा दिया, 32 मिनट वो जिंदा थे, एक ग्लास पानी भी उन्होंने मांगी और आखिर में इतनी खून बह गए कि वो बिरला हाउस में मरे। क्यों उनको सीधा हॉस्पिटल नहीं ले गए, तो ये सारी सवाल हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इतिहास में कभी ऐसे मौके आते हैं जहाँ सही निर्णय नहीं होंगे तो लंबे काल के लिए हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए हमारी परिस्थिति, हिंदुस्तान आज़ाद हो गई, स्वाधीन होने के बाद हिंदू प्रधानमंत्री बने, कई बने, लेकिन कश्मीरी पंडितों 5 लाख को हमारे देश के एक हिस्सा से भगा दिया और इसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। परंतु एक जगह में अखबार उछालती है तो सारा देश में किया ओहो इनटॉलरेंस, माइनॉरिटीज इन डेंजर, यूनाइटेड स्टेट्स का कोई काउंसिल है रिलीजियस फ्रीडम का, उसका डेलीगेशन आने के लिए तैयार हो जाता है। बट 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया, उनकी कई महिलाओं को अपमानित किया, हमारी कई मंदिरों को तोड़ा, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से
आप हिंदुओं के हाल देखने चाहते हो तो मल्लापुरम में जाइए, केरल में। वहाँ तो ऐसे आतंकित हैं हिंदू, आपको आश्चर्य होगा। अभी बीजेपी का लोगों का राष्ट्रीय परिषद मीटिंग होने वाली है कैलिकट में, तो सबको थोड़ा मौका मिलेगा। वहाँ मल्लापुरम बगल में ही है और वहाँ सिर्फ शरिया चलती है, केरल पुलिस वहाँ अंदर नहीं जा सकती। वहाँ जिस महाकवि जिसने रामायण को मलयालम में ट्रांसलेट किया, हिंदुओं ने अपने जमीन में, निजी जमीन में उनका मूर्ति खड़ा करने चाहते थे, तो म्युनिसिपैलिटी जिस जो मेजॉरिटी से आती है उसमें मुसलमान की मेजॉरिटी है, तो वो सारे जीत कर आए। उन्होंने कहा कि नो, आप नहीं कर सकते। मल्लापुरम में हिंदू जमीन बेचने चाहता है तो हिंदू को नहीं बेच सकता, वो मुसलमान का जो खरीदने वाला उसको म्युनिसिपैलिटी तैयार करके भेजेगा और मुसलमान को बेचना होता है। इस प्रकार की स्थिति आज की हमारी स्वाधीन देश में 70 साल के बाद दिखाई पड़ रहा है और आवाज़ किसी कहीं नहीं उठ रही है। और ये सिर्फ मल्लापुरम और कश्मीर का सवाल नहीं है, तमिलनाडु में मुसलमान की संख्या सिर्फ 5% है, लेकिन कई टाउन पंचायत्स में, नगर पंचायतों में मेजॉरिटी में है। जैसे वेल्लोर के पास मेल विशारम है, वहाँ मुस्लिम 75% है, जीत गए। 40 जगह ऐसे हैं तमिलनाडु में, वहाँ चुनाव में जीते, उनकी मेजॉरिटी बनी, टाउन पंचायत उनके हाथ में आ गई। और वहाँ जो 25% हैं उनकी हाल देखनी चाहिए। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी सोशल सेक्युलरिज्म होने के कारण है कि हिंदू मेजॉरिटी है, और ये सब चिल्ला रहे हैं इंटॉलरेंस और दुनिया भर की गाली दे रहे हैं हमें। लेकिन जहाँ हिंदू मेजॉरिटी नहीं है, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, या जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मेजॉरिटी जहाँ है, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को कुछ नहीं मिलेगा। सऊदी अरेबिया में हिंदुओं की हाल देखिए, वहाँ इतने मेहनत करते हैं हमारे लोग, इसके कारण वहाँ सारे निर्माण का कार्य तो सब हिंदू ही वहाँ कर रहे हैं। 20 लाख हैं, किस हालत में है, कहें दिवाली मना सकते हैं, नहीं मना सकते, मंदिर बना सकते हैं, सवाल ही नहीं है। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में रख के नौकरी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सबके लिए सजा मिलेगी ये सब करेंगे तो जहाँ वो मेजॉरिटी में है हिंदू के लिए कुछ नहीं, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है वहाँ सलाम बरते रहते हैं, क्योंकि हम यूनिटी से इन्हीं काम नहीं कर रहे हैं। और वो यूनिटी सिर्फ कुंभ मेला में कुट्ठे इकट्ठे हो गए, वो यूनिटी नहीं, एक विराट एकता की आवश्यकता है हिंदुओं में, कि हिंदू कहें कि ये देश प्राचीन काल से 100% हिंदू देश था और आज भी हम 80% हैं। हम किसी को हमारे से दूसरे धर्म के लोग या दूसरे मज़हब के लोगों को हम तंग करने वाले लोग नहीं हैं। हमने पारसी धर्म के लोग भाग के आए, उनको हमने रक्षा दी, यहूदी लोग भाग के आए और हमने उनको इतनी अच्छी देखभाल की। जब इज़राइल बना, पहला प्रस्ताव इज़राइल की पार्लियामेंट ने पास किया, धन्य हो भारत, दुनिया में एकमात्र देश जिसने यहूदियों के साथ शोषण नहीं किया। ये हमारी चरित्र है, हमारी इतिहास है। और आज हम सफाई देते घूम रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम कम्युनल नहीं हैं। मैं संस्कृत के लिए प्रचार करूंगा, कहते हैं ये कम्युनल आदमी है। नासा में संस्कृत को कंपलसरी कर दिया, क्योंकि मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है संस्कृत, इसलिए हो गया। तो एक हीन भावना अंग्रेज़ों ने हमारे दिमाग में भरा था, वो हीन भावना आज भी है।
मुझे लोग कहते हैं कि नहीं हम हिंदू तो हैं परंतु हम कम्युनल नहीं है. व्हाट यू मीन भाई, आई एम हिंदू है कम्युनल नहीं है. मैं हिंदू के लिए बात करूंगा, मुसलमान के विरुद्ध में नहीं बात करूंगा, तब भी मुझ पर गुस्सा होते हैं. राम मंदिर का सवाल पर अब देखिए कितना अन्याय हुआ है. 300 साल से हिंदू लड़ते आए कि नहीं वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए. वहाँ मस्जिद बनी मंदिर को तोड़कर. अब तो अलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कि पता करो वहाँ पहले मंदिर था कि नहीं. उन्होंने सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से पता किया और रिपोर्ट दिया 2006 को कि हाँ वहाँ एक विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे. अब लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अलाहाबाद हाई कोर्ट में तो हम जीत गए, अपील में आए हैं. सुनी वाकफ बोर्ड क्या बोल रही है, वो कहती है कि हम 300 साल से इस ज़मीन की कब्जा करके बैठे हैं तो ये हमारा ज़मीन है. ये नहीं कहते कि हमारे एक धार्मिक स्थल मस्जिद को तोड़ दिया और इसलिए दोबारा मस्जिद बनना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं. कह रहे हैं कि ये एडवर्स पोजेशन लॉ में आप जानते हैं, मैं आपके घर में घुस जाऊं और 12 साल रहूं और आप उस पर आपत्ति ना करें तो कोर्ट में वो घर आपकी बन जाती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन. यानी आपका घर था तो आपको इस 12 साल में आपत्ति करना चाहिए था. तो एडवर्स पोजेशन जिसको अलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना नहीं उसको कहकर आए. अब मस्जिद का असली स्थिति क्या है, एक प्रार्थना स्थल है, मजहब पढ़ने के लिए एक सुविधाजनक प्रार्थना स्थल है. हर मुसलमान देश में मस्जिद को तोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए या यानी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए, यहाँ तक कि जहाँ मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दिया सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि वो कहते हैं नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, सड़क में पढ़ सकते हैं, इस रूम में चादर बिछा के नमाज पढ़ सकते हैं, हवाई जहाज़ में पढ़ सकते हैं. और इसीलिए मस्जिद का कोई ऐसा स्थान नहीं है कि इसको यहाँ है तो उधर बना दो. हम कहते हैं मुसलमानों के को कि सरयू नदी के उस पार बहुत ज़मीन खाली है, वहाँ बाबरी मस्जिद बना दो. अब क्यों इसको बाबरी नाम दिया है वो मैं इस सभ्य समाज में बताऊंगा नहीं, व्यक्तिगत पूछोगे तो बता दूंगा. बट बाबरी मस्जिद चाहिए तो बना लो, परंतु ये ज़मीन जो है इसमें राम मंदिर रामलला के मंदिर क्यों बननी चाहिए, क्योंकि ये बनी थी प्राण प्रतिष्ठा पूजा से और प्राण प्रतिष्ठा पूजा के माने कि भगवान ने उस मूर्ति में प्रवेश कर दिया है और अब से भगवान मालिक है. और सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, परंतु जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो हाउस ऑफ लॉर्ड से मैंने एक जजमेंट निकाल के लाए थे, क्योंकि हमें एक हमारी नटराज की स्टैचू चोरी करके लेकर वहाँ नीलाम कर रहे थे तो उसको वापस लाने के लिए हमने वहाँ केस डाला था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये स्वीकार किया कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद बनने के बाद वहाँ कोई पूजा नहीं हो रही है या टूट गई या ताला लग गई फिर भी वो मंदिर है और वो परिस्थिति बदलेगा और इसीलिए वो नटराज की स्टैचू वापस कर दी थी. अब यहाँ मंदिर था उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि हाँ है, अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार भी किया है और किसी मुसलमान ने इसका खंडन नहीं कर सके. फिर भी वो कहते हैं नहीं ये हमारी एडवर्स पोजीशन है और सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हारने वाले हैं
और हम इसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं. अब खेद की बात है कि बेंच बनेगी तो उसमें एक मुसलमान भी जज होना चाहिए, जैसे इलाहाबाद में थे. लेकिन ताकि कोई ये ना कहें कि सब हिंदू बैठ करके ये फैसला कर ली. हमारे लोग भी थोड़ा इसमें सेंसिटिव हैं, तो ठीक है एक मुसलमान जज भी होने दीजिए जैसे इलाहाबाद में, वो भी हमारी बात ही मानेगा. लेकिन अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज मुसलमान नहीं है, तो इसलिए एक नया मुसलमान को थोड़ी दिन में बिहार से जज, हाई कोर्ट जज को लाकर सुप्रीम कोर्ट जज बना के बेंच बनकर दिन प्रतिदिन की सुनवाई होकर हम जीत कर फिर कोर्ट के ज़रिए, जैसे हमारी मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा, कोर्ट के ज़रिए इस मंदिर को बनाएंगे. मैं आशा करता हूँ इस साल के अंत तक ये काम शुरू हो जाएगी और अगले साल हम इस पर जीतेंगे. लेकिन कितना लड़ना पड़ रहा है. राम सेतु के लिए मुझे 3 साल बहस करने पड़ी सुप्रीम कोर्ट में. क्या फैसला हुआ कि हम एक कनाल बनाएंगे, सेतु समुद्रम शिप चैनल, क्योंकि जहाज घूम के जाना होगा श्रीलंका के लिए, इसीलिए सीधा अंदर पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से जाने के लिए, और वो राम सेतु तोड़ कर जाएगा. तो हमने सुप्रीम कोर्ट में बहस किया कि आपको शिप चैनल चाहिए, क्यों? क्योंकि श्रीलंका से घूमकर नहीं जाने चाहते. तो फिर टूटीकोरिन में एक बड़ा नया नवीन पोर्ट बंदरगाह बना दीजिए और वहाँ से रेलवे लाइन से मद्रास होकर के कलकत्ता तक जोड़ दीजिए और सारे जहाज आकर कंटेनर को ड्रॉप करें टूटीकोरिन में और फिर रेलगाड़ी उसको ले जाए. वो चीपर है, फास्टर है, और इसीलिए ये जो बनी है ये जानबूझकर हमारे अपमान करने के लिए बनी है, इसीलिए इसको रद्द करना चाहिए. खूब लड़ाई हुई उसमें, करुणानिधि बहुत बिगड़ गए थे उससे उस पर. और उन्होंने जब मैंने बहस में कहा कि राम सेतु को तोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि वो कौन